दोस्तों, कांताज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पलियारी डोसा बनाना बताती हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसमें डोसे में लगने वाली सामग्री आपको मैं बता रही हूँ। 5 टेबल स्पून ये मैंने सामक लिया है, जो देखिए आइए। 2 चम्मच मैंने साबुदाना लिए, ये भी 2 टेबल स्पून है। या ये तो दोनों को मैं मिला के पीसूंगी और इसमें जो फिलिंग भरूंगी वो मैंने लौकी की सी है, और पनीर लिया है, हरा धनिया लिया है, ये स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्ची और 2 चम्मच दही का पानी खट्टा, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी अदरक। इस सामग्री से हम ये डोसा बनाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें साबुदाना और सामक इसमें डाल दिया। अब मैं इसको पीस रही हूँ, बिल्कुल बारीक पीसना अपने। ये देखिए, मैंने एकदम बारीक इसको पीस लिया है। ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे बारीक हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये अपना तैयार हो गया। ये देखिए, मैंने इसको बाउल में डाल दिया। अब मैं इसका घोल तैयार करती हूँ। इसमें मैं थोड़ी हरी मिर्ची डाल रही हूँ, बारीक बारीक कटी हुई, थोड़ी अदरक घिया कस्से करी हुई ये डाल रही हूँ, थोड़ी काली मिर्ची डाल रही हूँ। अपने को जैसा टेस्ट चाहिए उस अनुसार आप डाल सकते हो। स्वाद अनुसार इसमें नमक डल जाएगा। ये जो 2 चम्मच मैंने खट्टा दही का पानी लिया था, 2 से 3 चम्मच बस इतना ही डालना हमें। और इसमें ये थोड़ी धनिया पत्ती। अब मैं इसको बेटर को तैयार करूंगी। देखिए, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इसको हमें एकदम पतला बनाना है। इसको तैयार करके मैं 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी साइड में। इतने में इसके अंदर जो फिलिंग भरेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनती है। ये कढ़ी से भी पतला हमें करना है इसको। ये देखिए, मेरा ये बेटर तैयार हो गया है। इस तरह का पतला रहेगा। इसको मैं बनाते समय थोड़ा और पतला करना पड़ेगा। 15 मिनट इसको ढक के रखूंगी। एक कढ़ाई चढ़ा दी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, जो इसके लिए मसाला बनाऊंगी। इसमें मैंने ये घी डाला 1 चम्मच। अब इसके अंदर मैं ये लाल मिर्ची और जीरा दे रही हूँ, ये हम फलियारी में खाते ही हैं। थोड़े से नीम के मीठे नीम के पत्ते दूंगी, ये अदरक है बारीक कसी हुई, अदरक दे रही हूँ, ये हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, ये इसमें डाल दी। इसकी सिक जाएगी तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसमें पहले थोड़ा पनीर को सेकूंगी। ये थोड़ा पनीर सीख गया इसके अंदर। अब मैं जो ये लौकी है, कद्दू, दूधी महाराष्ट्र में हम लोग बोलते हैं, ये इसको कस लिया घिया कस से। अब मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। ये डोसे के अंदर इसकी फिलिंग भरूंगी। आप आलू का मसाला भी बना सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। ये तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। इसके अंदर हमें स्वाद अनुसार अपने काली मिर्च जैसा आपको टेस्ट चाहिए वैसे दे दीजिए, और थोड़ा ये नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस दूंगी। ये हमारा अभी 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। देखिए, ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको डोसा बनाना बताती हूँ। ये तवा मेरा चेक कर रही हूँ, गर्म हो गया क्या। गर्म हो चुका है। अब मैं आपको
इसमें बेटर डाल के बताती हूँ। ये जो इसका गोल है ना, ये इस तरह का रहेगा, जैसे हमारी कढ़ी नहीं होती पतली। देखिए अब मैं इसको, जरूरत पड़ी तो इसको मैं थोड़ा और पतला भी करूंगी। इसको मैंने ऐसे ऊपर से डालना है, ये इस तरह से इसमें जाली आ जाती है। ये गोल मेरा थोड़ा जाड़ा है, इसको मैं और थोड़ा पतला कर रही हूँ, और सुंदर जाली आएगी इसकी भी। अब मैं इस पे थोड़ा सा ये घी डाल रही हूँ। आप बटर, घी, तेल कुछ भी डाल सकते हैं। इसको तेज में, तेज गैस पे ही हम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सेगारी डोसा बनके तैयार हो गया है। इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं, अब ऐसे भी कभी इच्छा हुई सुबह नाश्ते में तो भी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने नारियल की चटनी भी बनाई है, धनिया की चटनी भी बनाई है, इसके साथ बहुत टेस्टी लगेगा आपको। और जो मैं बेटर बनाई हूँ ना, वो अपन पीस के ज़्यादा रख सकते हैं, जब भी इच्छा हो तब आप उसका घोल बनाइए और बना के खाइए।